कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। श्रेणी 3 धन 7 धन 13 धन 21 धन 31 धन डेज डेज धन टी एन माइनस 1 प्लस टी एन के एन पदों का योग ज्ञात करो। मान लो कि एस एन एन पदों का क्या योगफल है और एनवा पद टी एन है, इसका एनवा पद क्या है टी एन। तब यदि हम एस एन को देखें तो हमारे पास दिया है 3 धन 7 धन 13 धन 21 धन 31 ये दिया, धन डेज डेज टी एन माइनस 1 प्लस टी एन ये दिया। पुनः एक बार फिर से हमने लिखा एस एन, लेकिन पदों को लिखने के इसमें 7 के नीचे 3, फिर 13 के नीचे 7, 21 के नीचे 13, 31 के नीचे 21 धन डैश डैश, फिर कहाँ, फिर टी एन के नीचे टी एन माइनस 1 प्लस टी एन। आप क्या कर देंगे, हम इसमें से पहले में से दूसरे को क्या करने पर, घटाने पर, जब इसको हम घटाएंगे तो एस एन से एस एन क्या होगा, घट जाएगा, तो यह आ जाएगा 0 बराबर इस 3 यथावत। 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4, 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6, फिर अगला पद 8, फिर 10 डैश डैश कितने। अब यहाँ तो क्या आ गया, यहाँ तो टी एन से टी एन माइनस 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, एन माइनस 1 पद बचेंगे, लेकिन ये टी एन क्या हो जाएगा, माइनस टी एन। नेक्स्ट स्टेप में इस टी एन को दाहिनी ओर से बाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन गया टी एन बराबरी से। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों को देखिए, मतलब 3 को छोड़ के बाकी शेष पदों के बारे में समझिए। 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन कितने n माइनस 1 पदों तक, ये हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई और इसके n पदों का योगफल हम निकाल सकते। हम जानते हैं क्या, समांतर श्रेणी के, क्योंकि समांतर श्रेणी के कितने n पदों का क्या योगफल, तो वो क्या होता, एस एन बराबर इस एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम यहाँ उपयोग करेंगे और इसको n पदों के योगफल को निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबरी से 3 धन, अब क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 पद है तो क्या होगा, n माइनस 1 बटे 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 2 सर्वांतर प्रत्येक में 2 2 का है, तो क्या आ गया 3 धन 2 दोनों पदों से कॉमन निकल जाएगा, तो 2 दोनों पदों से कॉमन निकल जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा n माइनस 1, 2 को कॉमन निकाल के इस 2 को काट दिया, इस 2 को काट दिया, तो यहाँ जब ब्रैकेट में बचेगा तो n माइनस 2 है ना, और
ये n माइनस टू और ये प्लस फोर, तो ये n प्लस टू बचेगा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, तीन था n माइनस वन एन प्लस टू। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने से हमको मिलेगा तीन धन एन माइनस वन का किस में, एन प्लस टू में गुणा, तो ये मिलेगा एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन माइनस टू बराबर इसे। देखिए ये मिला एन स्क्वायर, टू एन में से एक एन घट गया तो क्या मिला एन, तीन में से दो को घटाए तो हमको मिला एक, ये इसके एन पदों का योगफल आ गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।